कक्षा 11 के सभी पढ़ने वाले हिंदी के छात्र और छात्राएं, आज हम पढ़ेंगे निर्गुणकारी कवि कबीर के जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियां। पहला है जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों। महान कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। भक्तमाल के अनुसार कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, जिन्होंने लोक लज्जा के भय के कारण काशी के लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। वहां से एक जोलाहे दंपत्ति नीरू नीमा ने उन्हें उठा लिया और उनका पालन पोषण किया। इनके पत्नी का नाम लुई था तथा पुत्र का नाम कमाल, पुत्री कमाली थी। इन्होंने अपने पालन कर्ता नीरू जुलाहे के व्यवसाय को अपनाया। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। इनके शिष्य बनने के पश्चात वे संत बन गए। काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता। इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और मगहर में अपना निवास स्थान बनाया। सन 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। अब कृतियां देखिए। कृतियां में कबीर की मौलिक रूप से कोई कृतियां उपलब्ध नहीं है। इनके माना जाता है कि जब ये बोलते थे तो धर्मदास नाम का इनका शिष्य था। इनकी वाच को वह क्या करता था, वह मतलब रचनाबद्ध करता था, जिसमें इनकी रचनाएं थी। बीजक, बीजक का 3 भाग था, साखी शब्द रामायणी। अब देखिए इनकी काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष, निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनकी रचनाओं पर सूफी संतों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र ना होकर निर्गुण निराकार राम हैं। दूसरा बिंदु है गुरु की महत्ता। कबीर जी ने गुरु की महत्ता पर विशेष बल दिया है। गुरु की महत्ता सच्चे मार्गदर्शन दर्शक आप बताया। उन्होंने गुरु को कुम्हार और शिष्य को कच्चा कुंभ के समान बताया। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर गढ़े चोट। इसके बाद सत्य की महिमा। कबीर सत्य और अहिंसा जीवन का महत्वपूर्ण अंग अपनाया। सत्य को ही अपना सबसे बड़ा तप कहा। इसके बाद तीसरा है प्रेम की महत्ता। कबीर जी ने ईश्वर के प्रति अनंत प्रेम को महत्व दिया। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसके बाद अंतिम आपका है समाज सुधारक की भावना। कबीर अपने युग के सबसे महान समाज सुधारक, प्रतिभा सम्मान कवि और प्रतिभाशाली विचारक थे। नाथ संप्रदाय एवं योग मार्ग और हिंदुओं के वेदांत एवं भक्ति मार्ग का इन पर गहरा प्रभाव था। वे किसी बाह आडंबर कर्म कांडी एवं पूजा पाठ की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादा जीवन को अत्यधिक महत्व देते थे।